भावलपुर और खानेवाल में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में दो रोज के दौरान 200 मरीज दाखिल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल में भी 24 घंटों के दौरान 154 मरीज रिपोर्ट हुए। दूसरी जानेब विक्टोरिया अस्पताल में 48 घंटों में 86 गैस्ट्रो के मरीज दाखिल। माहरीन सेहत का शहरियों को ठंडे मशरूबात, साफ गिजा का इस्तेमाल और धूप से बचाव के मशवरे। मियांवाली में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, जुबा खेलते 7 जवारी गिरफ्तार से नकदी रकम, 5 मोबाइल फोन और असलिया बरामद। एमडीए इन्फोर्समेंट सेल की कार्रवाइयां, 8 दुकानें और गैर मंजूर शुदा होटल मिसमार कर दिया गया। सनावा शेखो शुगर मिल में आतिजदगी, आग शुगर मिल में जमा की गई बकाफ में लगे, रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। साबिक एमपीए सरदार अमानुल्ला दरेशिक की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात, आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पीपल्स पार्टी मुतारिक, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। यूसुफ रजा गिलानी मुल्क भर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगे। बहावलपुर में सुबह बहाली तहरीक के रहनुमा नवाब ऑफ बहावलपुर सलाहुद्दीन अब्बासी की हिमायत में सामने आ गए। हुकूमत को 30 मई तक की डेडलाइन दे दी। बोले बहावलपुर सुबह बहाल ना किया गया तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज करेंगे। मुल्तान में शहरियों के लिए अच्छी खबर, रमजान में 12 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। डीसी की हिदायत पर इकदाम शुरू कर दिए गए, बाजार 14 मई तक फाल हो जाएंगे। 17 किस्म की अशिया खुरोनोश पर खसूसी सब्सिडी दी जाएगी। और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मलिक मुसर्रत का जिला बहावलनगर और चिश्तियां का दौरा, प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अफसरान की तरबेती वर्कशॉप का मुआयना किया। अफसरान को इलेक्शन में बेहतरी कारकर्दगी दिखाने की हिदायत।